तुम लोग पहुंच गए ना? हाँ यार, आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। तुम लोग कहाँ पहुंचे? दयानंद सिग्नल के पास खड़ा हूँ। ये पायल अभी तक नहीं आई यार। आई नहीं भाई, 8:30 बज रहे हैं। पता है उसका फोन भी स्विच ऑफ है। घर से चुपचाप निकली है बेचारी, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। अरे उसी का तो डर है ना भाई। वरन तुम टेंशन ना ले, पायल आ जाएगी। एक और जोड़ा अपने दोस्तों की मदद से अपनी प्रेम कहानी को अगले लेवल पर ले जा रहा था। 3 दिन पहले यानी कि 30 सितंबर 2014 को पायल ने वरुण से कहा था कि वो 3 अक्टूबर को चुपके से अपने घर से निकलकर उसके साथ घर बसाएगी, उससे शादी के बंधन में बंधेगी हमेशा हमेशा के लिए। वरुण, मम्मी पापा आज फिर अमन की बात कर रहे थे, दोनों जिद पे अड़ गए। पायल, क्या मैं आके डायरेक्ट बात करूं उनसे? नहीं। अब मम्मी पापा को भेज दूं? नहीं वरुण, तुम्हें मेरे पापा के गुस्से का अंदाजा नहीं है। आज उन्होंने इस ओर से मुझे थप्पड़ मारा। क्या बोला तूने अमन के बारे में? क्या बोला? एमी है। जानती भी अमन कौन है? धनराज का बेटा है वो, धनराज माथुर का। बिजनेस के रिश्ते हैं हमारे, बराबर के हैं हम। मैं क्या करूं? तू वही करेगी जो तय हुआ है। क्या तय हुआ है? 18 अक्टूबर को तेरी सगाई तय हुई है अमन के साथ। 18 अक्टूबर को ही होगी और अमन के साथ ही होगी। ऐसे कैसे वो सब कुछ तुम्हारे लिए तय कर सकता है? 2014 है और हम किसी खाप वाप में नहीं रहते, प्रॉपर दिल्ली में रहते। एक बात कहूं, तुम मानोगे? क्या? कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट होगा तो तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल करूंगी, कुछ सोच भी नहीं सकती। ठीक है, तो फिर कल मंदिर में शादी करते, उसके बाद कोर्ट जाके मैरिज रजिस्टर कर लेंगे। कल नहीं, 2-3 दिन बाद करते, 3 अक्टूबर। क्यों पायल, कल क्यों नहीं? बहुत बड़ा डिसीजन है वरुण, बहुत सारी प्लानिंग करनी होगी, इजी नहीं है ये सब। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। वहां खड़े इंतजार करते हुए मेरे लिए एक एक सेकेंड एक एक दिन जैसे लगने लगा। सर की नसें और दिल इतने जोर से धड़क रहे थे कि मेरी एक एक उंगली थिरक रही थी। सोच सोच के दिमाग सुन होता जा रहा था कि पायल की पेरेंट्स ने उसके साथ कुछ ऐसे वैसे तो नहीं कर दिया। इसी टेंशन में अचानक से एक बात समझ आई कि पायल ने 3 अक्टूबर ही क्यों चुना, क्योंकि पिछले साल जब हम पहली बार मिले थे वो 3 अक्टूबर था। 3 अक्टूबर 2013। यार पायल जल्दी कर, हम कॉर्नर भी तेरा वेट कर रहे हैं सिल्वर कार में। एज यूजुअल लेट। यू नो पायल को जब पार्लर जाना होता है ना तब भी उसके मॉम डैड को कन्विंस करना पड़ता है, इमेजिन। तो हमारे साथ कैसे चल रही है, वो भी सूरजकुंड 3-3 लड़कों के साथ? जरूर झूठ बोला होगा कि तेरे और तेरी दूसरी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं। ऑब्वियस है यार, तुझे उसके कर्फ्यू टाइमिंग्स पता है, 6 बजे। उस दिन के पहले पहली नजर में प्यार वाली बात पे मैं हंसता था, लेकिन उस दिन उसे देखते ही पहली नजर में मुझे प्यार हो गया। हाय, सॉरी मैं ज्यादा लेट हो गई ना। बाय द वे पायल, मीट माय फ्रेंड वरुण, वरुण पायल। हेलो। हाय। वरुण हमारा सीनियर है, अच्छी खासी जॉब कर रहा है और इस पिकनिक का स्पॉन्सर भी। ऐसा कुछ नहीं है, 2 ही साल हुए कॉलेज पास किए। ए उसको अंकल मत बना तू। उस दिन मेरी आंखें सच में चार हुई थी, तो सड़क पर थी और तो पायल पर। ये हमारी दूसरी मुलाकात थी, पायल से दूसरी मुलाकात अजय ने अरेंज की थी सिर्फ मेरे लिए। उस मीटिंग में मेरा एक ही मकसद था कि पायल मुझे अपना नंबर दे दे ताकि मैं उसे कनेक्ट हो जाऊं, ऑफिस से, घर से,
दिन में रात में बातें कभी रुकती नहीं थी, और एक महीने में मैंने बात आगे बढ़ा दी। मैंने पायल को प्रपोज कर दिया। चौंकना मत पायल, प्लीज। तुम्हें लगेगा ये थोड़ा अचानक और जल्दी में हो रहा है, लेकिन मेरे लिए ये बताना जरूरी है। आई लव यू। पहली नजर में जो हुआ वो प्यार आखिरी सांस तक रहेगा। तुम्हारे बगैर जिंदगी बिताना अब ऑप्शन के बाहर है। हाँ कहोगी तो इससे बड़ा गिफ्ट मुझे नहीं दे सकती, और ना कहोगी तो जी तो लूंगा लेकिन जिंदा नहीं रहूंगा। ऐसा बुरा वाला प्यार हुआ है। आई नो ये लाइन्स थोड़ी फिल्मी है, बट फीलिंग्स असली है। वरुण पता नहीं क्या कहूं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जितना टाइम चाहिए लो पायल, मैं वेट करूंगा। झूठ कहा था मैंने, मैं वेट नहीं कर सकता था। मुझे उसका जवाब तुरंत चाहिए था, और सिर्फ हाँ सुनना था। पायल जैसे मेरी फीलिंग समझ गई थी, उसने 5 मिनट में फैसला ले लिया। मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 5 मिनट। I love you too. लाइफ ने मुझे मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया था। डंक? सांप ने डंक मारा? मैं नहीं मानता। वो लोग कह रहे कि पायल मर गई है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो लोग पायल को कहीं ले गए हैं। मेरी पायल ऐसे नहीं मर सकती। से विष्णुस्त्वानयतु ओम देवुर्जे विष्णुस्त्वानयतु ओम सखे सप्तपदा भवसा मामनुव्रता भव इति सप्त प्रतिज्ञा त्वत्तो मेखिल सौभाग्यं पुण्येस्तं विविदेकृतेहि देवै संपादितो मह्यं मधुराद्ये पदे ब्रवीत्। माँ बाप से अपने प्यार की बात छेड़ना अच्छे अच्छों के लिए आसान नहीं होता, और पायल के लिए तो ये बिल्कुल ही आसान नहीं था। लेकिन बताना तो था ही, इसलिए उसने हिम्मत की और जवाब में एक कहर टूट पड़ा। चल मेरे साथ। कौन है ये वरुण? कौन है? वरुण महाजन मेरे कॉलेज में सीनियर है, अच्छी जॉब भी करता है। अल्लाह वे मम्मा। आई लव हर पापा। पायल कॉलेज में जूनियर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर कर रही है। पापा का ज्वेलरी का बिजनेस है। ओ वाओ, भैया ने तो हीरा चुना है। हीरा? वैसे मेरे भैया, ये सब कब से चल रहा है? हाँ 8 महीने 3 हफ्ते 4 दिन टू बी प्रिसाइज। हम दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस है। उसने अपने पेरेंट्स से बात की? और तुम उनसे मिले या नहीं? उसने अपने मॉम को बताया। पापा थोड़ा कंजर्वेटिव है तो। तुम्हें प्यार है तो हमारी ना कैसे हो सकती है? लेकिन उसके पेरेंट्स की हाँ भी जरूरी है। मैं और पायल इस मामले में पॉजिटिव है कि हम उसके माँ बाप को मना लेंगे। वैसे भैया हमें कब मिला रहे हो हमारी होने वाली भाभी से? हाँ कल मम्मी पापा कल ठीक रहेगी? हाँ जरूर। हाँ और मैं समझता हूँ तुम्हारी फैमिली पायल दीदी से मिलना चाहती है। फाइन मिलो, लेकिन उससे पहले मैं भी एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। इकलौती दीदी है मेरी, और मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। साहिल तुम्हारा और मेरा मिलना बिल्कुल बनता है। एक काम क्यों नहीं करते, कल पायल के साथ तुम भी आ जाओ मेरे घर पे। अब 4 बजे ठीक रहेगा? शाम को 4 बजे क्या, मुझे तो सुबह के 4 बजे भी ठीक रहेगा। आखिर पायल दीदी का मामला है। चलो फिर ठीक है, कल मिलते हैं।
बाय। क्या छुपा रुस्तम पना किया है भैया आपने? बाय गॉड, ये तू ज्यादा ड्रामा मत करना, चुप बैठ। अरे भैया, लव स्टोरी है तो ड्रामा तो करूंगी ना। और वैसे मैं सोच रही थी कि मेरे भैया रात रात भर बैठकर ऑफिस वालों को टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, लेकिन आप तो सीधा हेड ऑफिस पर पहुंच गए। हाँ, नामुमकिन से भी कोई बड़ा वर्ड हो ना तो वही समझ लो दीदी, मम्मी और पापा कभी नहीं मानेंगे। मैंने मम्मा को बता दिया। क्या दीदी, तुम पागल हो क्या? मम्मा ने साफ साफ कह दिया अगर 24 घंटे के अंदर मैंने ब्रेकअप नहीं किया ना तो रिपोर्ट सीधा पापा को जाएगी। दीदी ब्रेकअप कर लो। अरे अब तू पागल हो गया है क्या? लव का मतलब भी समझता है? लव मैरिज का मतलब भी समझता हूँ मैं दीदी, ये कोर्ट मंदिर सब समझता हूँ और भागना भी समझता हूँ। पर मम्मा पापा? देखो दीदी, रजामंदी से तो शादी होने से रही, अब तुमको ही चूज करना पड़ेगा, पापा या वरुण। हेलो जी, क्या मैं मोहिनी जी से बात कर सकती हूँ? हाँ बोल रही हूँ, आप कौन? मैं वरुण की माँ, देविका महाजन। मोहिनी जी, वरुण ने हमें आपकी बेटी पायल से मिलवाया। हमें तो वो बहुत पसंद आई, इसलिए हम सोच रहे थे, हम मतलब मैं और वरुण के पापा, कि क्या हम आपसे और पायल के पापा से मिलने आ सकते हैं? मिलने की कोई खास वजह? मालिक में जाओ, रुक के क्या करेगा, जा भाई। हाँ जी, अब तुम बोलो, पायल के बारे में क्या बात करनी थी? और ऐसे गोल गोल क्या बात कर रही थी फोन पे? पायल कुछ कर रही है, उसे संभालना होगा, सीधे सीधे बताना था ना फोन पे। फोन पर कहने वाली बात नहीं थी। क्यों, ऐसी क्या बात थी? एक फ्रेंड है पायल का। फ्रेंड? बॉयफ्रेंड। पायल उससे शादी करना चाहती है, वरुण महाजन नाम है उसका। पायल उसकी फैमिली से मिल भी चुकी है। क्या बोला, फैमिली से मिल भी चुकी है? उसके फैमिली मेंबर्स हमसे मिलना चाहते हैं। आज वरुण की मम्मी का फोन भी आया था मुझे, पायल का हाथ मांगने के लिए। कब से चल रहा है सब? 8 महीनों से। अमन के बारे में बताया इसे? हाँ बताया। मैं वरुण से प्यार करती हूँ, इसे शादी करना चाहती हूँ। होगा मन कोई भी, पर मेरे लिए तो ऐवे सही है। थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा स्पेंड कर दिया ना। ज्यादा नहीं, मेरे 1 महीने की स्टाइपेंड तुम दोनों के वेडिंग ड्रेस पे। हाँ, और मेरी 2000 का पेट्रोल, पूरे 35 दुकान ले गई है। पागल हो गए हो क्या तुम लोग, इतना स्पेंड करने की क्या जरूरत थी? वरुण, बहने और सतीश ने अपने अपने स्टाइपेंड्स मिलाकर तुम्हारा हनीमून पैकेज बुक किया है। अजय, दिस इज टू मच यार। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? चिल बे, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं। एंड बाय द वे, ये कोई फ्री फंड नहीं है, हनीमून से लौट आओ फिर तुम दोनों से बड़ी बड़ी पार्टियां लेंगे। घर से कॉल आ रहा है। तुमने उसे देखा तो रोका क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं मुझे? मैम साहब, क्या पूछता मैं पायल दीदी से कि सामान क्यों बांध रही हो, कहाँ जा रही हो? दीपू, तुम्हें पता है ना कि हम पायल को अकेले मॉर्निंग वॉक में भी जाने नहीं दे रहे थे। अगर वो सामान पैक कर रही थी तो अकेले कहाँ जा रही थी? हाँ, तुमने जाने कैसे दिया उसे? साहिल सच सच बता, पायल कहाँ गई है? पायल दीदी इस वक्त तो दीदी क्लासेस गई होगी ना। कपड़े पैक करके गई है बड़ा बैग लेकर। मुझे नहीं पता, आप आशीषा से पूछ लीजिए। मोहिनी जी, एक्चुअली मैं भी पायल को ही ट्राई कर रहा था, उसका स्पेशल लेक्चर था और मैं उसका वेट कर रहा था, पर वो अब तक आई नहीं। आशीष जी, पायल लगेज बैग लेकर गई थी। लगेज बैग? कहीं बाहर गई है वो? अगर पता होता तो आपसे क्यों पूछती आशीष जी? उसने आपको कुछ भी बताया था? जी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बताया। हेलो मिसेस महाजन, मीट मिसेस महाजन। बच्चू, वरुण, पायल, बेटा तुम दोनों ने ये ठीक नहीं किया।
ऑप्शन नहीं था पापा। दो हफ्तों में पायल के पापा पायल की शादी किसी अमन से करवाने वाले थे जिसे उसने अभी तक देखा तक नहीं। लेकिन फिर भी बेटा ऐसे भाग के शादी नहीं करनी चाहिए थी। अफो मम्मा, अब हो गई ना शादी, और वैसे भी अब ये सिर्फ मेरे भैया नहीं रहे, ना ही सिर्फ आपके बेटे हैं, अब ये मेरे भाभी के हस्बैंड भी हैं। वैसे भी हम 4 से 5 हो गए, अब आप इसे एक्सपेंशन समझो या मर्ज समझो, पार्टी तो बनती है। क्यों भैया, और आप सब ऐसे क्यों खड़े हो? शादी वाला घर है ये भाई, स्माइल एवरीवन। मम्मी जी, मैं जानती हूँ ये तरीका सही नहीं है, इस तरह चोरी छुपे जल्दबाजी में, पर सच मानिए मेरे पेरेंट्स वरुण से मेरी शादी कभी भी नहीं करवाते। मैं और वरुण एक दूसरे के लिए ही बने, पर हाँ आप दोनों का आशीर्वाद मिल जाए ना तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा हमारे लिए। हमारा सपोर्ट तो वरुण के साथ हमेशा से ही था। चलो अब तुम दोनों ने शादी कर ही लिए तो खुश रहो, बस प्यार से हमेशा दोनों एक साथ बने रहो, हम तो हैं तुम्हारे साथ। वैसे बेटा तुम्हारे पेरेंट्स भी मान जाते तो हमें सुकून मिलता। बेटा हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें मनाने की, मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन अब तुम लोगों ने शादी कर ही ली है तो हम साथ निभाएंगे तुम्हारा, हमारे घर में स्वागत है तुम्हारा। हद कर दीजिए आजी आपने, जिस दिन उस उनके बारे में पता चला था उसके अगले ही दिन अमन के साथ सगाई करवा देते पायल की, इतने दिन वेट करना कितना महंगा पड़ा देखिए आपको। गलती होगी प्रकाश। मैं कहती हूँ सीधे उस वरुण के घर चलते हैं, वही होगी पायल, वैसे भी उसके बेशरम माँ बाप दोनों की शादी चाहते थे, वही छुपी बैठी होगी पायल। उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? एड्रेस है क्या? मम्मी पापा, मेरी पायल दीदी से बात हुई। कहाँ है वो साहिल? वरुण के साथ उसके घर पे। क्या कह रही थी, क्या कह रही थी मैं? चलो सीधे चलते हैं उसके घर पे। चलो चलो। पापा ना जाओ तो बेहतर है। क्या बकवास कर रहा तू साहिल? पायल दीदी ने वरुण के साथ शादी कर ली है, और अगर अभी आप लोगों को कुछ करना ही है तो उन दोनों को नई जिंदगी जीने के लिए आशीर्वाद दे दो। मुंह बंद रख अपना। झूठ बोल रहे हो मुझसे, पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे। अरे पायल कैसे मर सकती है, ये झूठ मुझ पर और पायल पर लाद दिया जा रहा है। पता नहीं कहाँ है वो, मैं उसे बचा नहीं पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं उसके लिए। जीजा जी, दीदी सबसे पहले तो गुस्सा थूक दीजिए, जो कि सांपों के साथ बड़े ही ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए, और ये वरुण ऐसा जहरीला सांप है जो कि अपना फन फैला कर बैठा हुआ है। ठीक है फिलहाल सह लेंगे, लेकिन एक दिन हम भी अपना फन फैलाएंगे और उसे ऐसा डसेंगे कि असली सांप का जहर भी पानी बन जाएगा। पायल और वरुण की बगावत के लावा को शांत करने के लिए साजिश के जहर का इस्तेमाल होने जा रहा था। अहंकारों में भूकंप आ चुका था, नजरों और नजरिए में बदले की आग लग चुकी थी। अब बस पायल के घर वालों की एक ही मंजिल थी, मनमानी, और ये विकृत नाच भावनाओं की कब्र पर नाचा जाने वाला था। जी? नमस्ते, मैं प्रकाश मुंजाल, पायल का मामा, और ये है राजेंद्र जी और मोहिनी, पायल के मम्मी पापा। अंदर नहीं बुलाओगे बेटा? नमस्कार, बैठिए ना। बात कर सकते हैं उन दोनों से? हाँ हाँ, वो लोग बस आ ही रहे हैं। मम्मी पापा, अगर आप लोग मुझे यहाँ से लेने आए हैं तो आई एम सॉरी, मैं कहीं नहीं जा रही, आज से यही मेरा घर है और वरुण मेरे पति। बच्चे भी ना कई बार
जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं। यहाँ माँ बाप खुशी खुशी आशीर्वाद देने आए हैं और इन्हें कुछ और ही लग रहा है। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसे मौकों पे बच्चों को माँ बाप का आशीर्वाद तो चाहिए। मैं तो खुद आपसे मिलने आने वाली थी मोहिनी जी, बात भी तो हुई थी हमारी, हम पायल का हाथ मांगने आने वाले थे। ऐसा राकेश जी, अब तो पायल आपकी बेटी है। हाँ बिल्कुल, जैसे श्रेया हमारी बेटी है वैसे पायल भी है। राकेश जी फर्ज कीजिए, पायल ने जो हमारे साथ किया है वो आपकी बेटी श्रेया आपके साथ करती तो कैसा लगता आपको? भाई सच कहूँ तो बुरा तो मुझे भी उतना ही लगता जितना आपको इस वक्त लग रहा है। तकलीफ होती ज़रूर, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि श्रेया के साथ ऐसी कोई नौबत आती नहीं, क्योंकि मैं उसकी बात समझने की कोशिश करता, उसे गौर से सुनता वो क्या कह रही। लेकिन पायल ने तो हमें अपनी बात सुनाने का मौका ही नहीं दिया। पापा मैं बहुत डर गई थी जब मैंने आपसे कहा कि मैं वरुण से प्यार करती हूँ, किसी अमन से शादी नहीं करूंगी। आपने मुझे कितना डांटा, इतने जोर से थप्पड़ भी मारा, और आपने तो यहाँ तक कहा कि अमन से आपने मेरी सगाई तय कर दी और वो बदल नहीं सकता। पहले बाप से गलती नहीं हो सकती, और ये मेरी पहली गलती नहीं थी। तुझे पता है तू 2 साल की थी और तेरी मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी काम से, कहीं पेपर वेपर पढ़ने में उलझ गया और तू मेरी नन्ही सी जान बिस्तर से नीचे गिर गई। सर सूझ गया था तेरा बेटा, जितना तू रोई थी उससे ज़्यादा तेरे पापा रोए थे, और जब तक तू ठीक नहीं हो गई पानी की एक बूंद तक नहीं पी मैंने। उस दिन से कसम खाई थी मैंने तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। वरुण बेटा मेरे साथ ऐसा मत करो, पायल का घर, उसकी शादी, उसका संसार, ये सब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। मैं उस सपने को पूरा करना चाहता हूँ बेटा। सर मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन अब हम शादीशुदा हैं। महाजन जी, विनम्रता से प्रार्थना है आपसे, एक तारीख तय करके पायल और वरुण की ठीक तरह से शादी करवाते हैं। देखिए हमारी बिरादरी में, हमारे बिजनेस में एक नाम है हमारा, चोरी छुपी की शादी हमारी गर्दन झुका देगी। देखिए हमारे यहाँ शादी एक त्यौहार होता है, सारी तैयारियाँ हम खुद करेंगे, सारी जिम्मेदारी सबके सब। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम अपनी बेटी की दिल की बात नहीं समझ पाए। लेकिन अब जब हमें अपने गलती का एहसास हो गया है, एक एहसान कर दीजिए हम पर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप लोग जो मांग रहे हैं वो तो हक है आपका। तो बहन जी हमें हमारा हक, हमारा फर्ज पूरा करने दीजिए, पायल को हमारे साथ हमारे घर जाने दीजिए, ये डोली में बैठ के आपके घर आएगी। हम चाहते हैं कि पायल की शादी 4 लोगों के बीच में नहीं बल्कि 4,000 लोगों के सामने हो। प्रकाश जी मैं भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, भाई ऐसे मौकों पे माँ बाप का आशीर्वाद तो चाहिए ही। भाई राजेंद्र जी हमारी तरफ से तो डन है, बाकी बच्चों की मर्जी। मैं नहीं जाऊंगी। पेरेंट्स है तुम्हारे, देख नहीं रही हो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हो। उनके जुड़े हाथों पर मत जाओ, उनका ईगो हर्ट हुआ है जो तुम्हें उनकी आंखों में नहीं दिख रहा। उन्होंने ईगो साइड कर दिया, मुझे लगता है उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। वरुण उन्हें अपनी इच्छाओं को छोड़कर और किसी की नहीं पड़ी, यकीन मानो मेरा वो हमारी इच्छा को कभी पूरा नहीं होने देंगे। पायल मैं मानता हूँ तुम उन्हें जानती हो, लेकिन लोग बदलते हैं, अच्छे के लिए भी बदलते हैं। अगर हम उन्हें एक मौका नहीं देंगे, उन पर भरोसा नहीं करेंगे, तो फिर हम हमारी आगे की जिंदगी कैसे बना पाएंगे? उनके लाख ना चाहने पर भी हम एक हुए ना। अब अगर वो चाह रहे हैं कि हम एक हो उनके मर्जी से उनके तरीके से, तो फिर बुरा क्या है? हम आज से साथ रहने वाले थे ना, और कुछ दिन बाद हनीमून पे भी जाने वाले थे। अरे बाबा दोनों चीजों के,
मैं अजय से कहकर बुकिंग पोस्टपोन करवाता हूँ। एक बार तुम्हारे मम्मी पापा डेज देते, उसके बाद रीबुक कर लेंगे। अब कोई टेंशन नहीं है, हम एक हो चुके हैं मिसेस महाजन। उस दिन मैंने उसे आखिरी बार देखा था, आखिरी बार हम गले मिले थे। उसके बाद बस उसकी आवाज सुनी थी, डर में लिपटी आवाज। पर डर किस बात का था, ना वो बता पा रही थी ना मैं समझ पा रहा था। अरे हम दोनों को तो भनक तक नहीं थी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, उसे जाने नहीं देना चाहिए था। वरुण, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ पायल? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ और ही हो रहा है। क्या मतलब? आज एक आदमी आया था पापा की ज्वेलरी शॉप से। मामा, ये क्या कह रहे हैं? मैम, मैं तो मैम से सिर्फ उंगली का नाप पूछा और एंगेजमेंट रिंग। पायल, तेरी प्रॉब्लम क्या है? एंगेजमेंट रिंग? मामा, आप लोग की खुशी के लिए मैं अपने पति से शादी कर रही हूँ ना दोबारा, फिर इन सबके बीच में ये एंगेजमेंट कहाँ से आ गई? हमारी खुशी के लिए तू दोबारा शादी कर रही है ना, तो फिर एंगेजमेंट क्यों नहीं? हमें सारी रस्में पूरी करनी है, इस बीच में इतना गुस्सा, इतना शक, इतने सवाल जवाब क्यों? वरुण, या मेरे पापा या मेरे मामा ने तुमसे या पापा जी से एंगेजमेंट की बात की? नहीं किए पाए, लेकिन शायद उन्हें सारी रस्में पूरी करनी होगी। मुझे तो कुछ और ही डर लग रहा है। क्या? कि मेरी एंगेजमेंट होगी तो जरूर, पर तुमसे नहीं, उस अमन से, भी जबरदस्ती। पायल, हमारी शादी हो चुकी, बालिक हो तुम, कोई दूध पीती बच्ची तो हो नहीं जो हाथ पकड़ कर अंगूठी पहना देंगे। जानती हूँ मैं, पर मुझे डर लग रहा है जैसे गलत होने वाला। हाँ मोहिनी जी, मुझे लगता है अब हमें शादी की तारीख जल्द से जल्द तय कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल देविका जी, बस हमारे पंडित जी गांव से लौट आए, कह रहे थे कि 4-1 दिन में लौटेंगे, जैसे ही वो आते हैं शादी की डेट तुरंत फिक्स कर लेते हैं। वो क्या है ना, वरुण और पायल अब थोड़े से बेचैन होने लग गए हैं। अब बच्चे हैं तो उतावले तो होंगे ही, लेकिन उन्हें भी तो समझना चाहिए कि जिंदगी भर अब उन्हें साथ ही रहना है। लेकिन आप और मैं तो दोनों जानते हैं कि शादी के मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जी, कह तो आप सही रही हैं। चलिए ठीक है, रखती हूँ। पंडित जी तो फोन पे भी डेट दे सकते हैं ना? बेटा अब इतनी बाल की खाल मत निकाल, कुछ रिवाज होंगे, उन्हें करने दे अपने हिसाब से। पायल डरी हुई है। तू उसे समझा, बता उसे कि अब जो होगा सब सही होगा। हाँ जयपुर। पता नहीं यार, पायल के मामा को मेरा नंबर शायद पायल ने दिया होगा। अरे अब ये पायल के मामा को तेरे साथ क्या काम पड़ गया? थोड़ी अजीब बात हुई वरुण। अजीब सी मतलब? वो तेरी और पायल की मंदिर वाली शादी ना, उसके बारे में पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? अजय जी। कौन? अजय, मैं प्रकाश मुंजाल बोल रहा हूँ, पायल का मामा। हाँ अंकल, नमस्ते, बोलिए। बेटा पायल और वरुण की मंदिर में जो शादी हुई थी वहाँ तुम भी थे? हाँ अंकल, हमने तो सारा इंतजाम किया था। हम मतलब हम फ्रेंड्स। ओ अच्छा अच्छा, सबको मिलूंगा शादी में, आप सबको आना है, ठीक है? ऑफ कोर्स अंकल। अच्छा सुनो, मंदिर की शादी के बाद कोर्ट में शादी की रजिस्ट्री हुई थी? नो अंकल, वो एक्चुअली कोर्ट जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करना बाकी है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं बेटा, ये हमारे पंडित जी पूछ रहे थे, क्योंकि वो जब शादी करवाएंगे तो उनका भी सर्टिफिकेट आएगा, तो कहीं दो सर्टिफिकेट क्लैश ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा तुमसे पूछ लो। अच्छा, नो प्रॉब्लम। देखो बेटा, आप युवा पीढ़ी भले ही मानते ना हो, लेकिन हम लोग मुहूर्त और तारीख को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। यार मुझे क्यों फोन किया, तुझसे पूछ सकते थे या पायल से। वरुण, तुझे ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगी? यार अजीब तो मुझे भी लग रहा है, और वहाँ पायल भी घबराई हुई है। समझ में नहीं आता क्या करूँ यार, अब मेरी इन लॉज है, ऐसे कैसे डाउट कर लूँ? भाई जब भी डाउट हो ना तो खामोशी से शोर बला, फिर तुम दोनों बेहतर जानो। खैर जो भी हो ना बता दियो, ठीक है? ठीक है यार, अब थैंक यू। पायल,
पायल और वरुण की मंदिर वाली शादी 3 अक्टूबर को हुई थी और उसी दिन पायल के घर वाले उसे वापस लेकर आ गए थे ये कहकर कि वो ये शादी दोबारा करेंगे बड़ी धूमधाम के साथ। 8 दिन बाद जब 11 अक्टूबर 2014 को वरुण और पायल की फोन पर बात हुई तब दोनों को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी बार बात हो रही है। रिंग आ गई है। पसंद आई? बहुत। वरुण मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मुझसे शादी करने में डर लग रहा है? नहीं इडियट, मैं तो ऑलरेडी तुम्हारी वाइफ हूँ और दुनिया की कोई भी ताकत ये बदल नहीं सकती, तुम भी नहीं। देखा, फिल्मी डायलॉग्स मुझे भी मारने आते। अरे वाह, सही है। सुनो ना, हम 1 हफ्ते पहले शादी एक साथ ही होते ना, सुहागरात की सेज पे एक दूसरे की बाहों में, रोमांटिक एटमॉस्फेयर, सब कुछ कितना अच्छा होता ना। मत बोलो ये सब, अभी आके उठा के लेके जाऊं। तो फिर आओ ना, ले जाओ मुझे यहाँ से कहीं दूर, जहाँ हमारे अलावा और कोई ना हो और हम वहीं रह जाएंगे, वहां से कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे नहीं कुछ और चाहिए, नो एंगेजमेंट, नो शादी, कुछ भी नहीं। मुझे भी लग रहा था ये सब क्यों कर, तुम्हारी बहुत याद आती है, रियली मिस यू। अब रो क्यों रही हो? रो नहीं रही हूँ। सिस्के सुनाई दे रही है मुझे, कह रही हो कि रो नहीं रही हो। तुम्हें पता है ना मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जाता। तो फिर आ जाओ ना, मुझे लेकर जाओ यहाँ से। कल आता, दोनों कहीं दूर घूमने जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे, ठीक है? आओगे ना? प्रॉमिस। आपके अपने सबसे करीब आपकी पीठ में खंजर घोप सकते हैं क्या? आपके अपने The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. बोल वरुण। यार वो पायल का मामा ने तुझे एक बार फोन किया था ना? हाँ किया था, उसके बाद अपनी बात तो हुई थी। उसका नंबर सेव किया गया? हाँ है, सेंड करूँ? यार पायल का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, उसका लैंडलाइन भी कोई नहीं उठा रहा, उसका भाई साहिल, उसका नंबर कभी मैंने लिया ही नहीं, ना उसका मम्मी पापा का। ठीक है, मैं मामा का नंबर सेंड करता हूँ। हो सकता है कहीं बाहर गई हो जहाँ नेटवर्क ना मिल रहा हो। नहीं पापा, कल रात को मेरी पायल के साथ बात हुई थी, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज मिलेंगे, कहीं ड्राइव वाइव पे चलेंगे, अगर कुछ भी चेंज होता तो वो मेरे को इन्फॉर्म तो करती ना। और अंकल सबके फोन कैसे स्विच ऑफ हो सकते हैं एकदम से? मैंने पायल के पापा के ज्वेलरी शॉप में भी फोन किया था, वो लोग तो कह रहे कि उनके पापा आज आए नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है जी, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, फिर ये। बेटा परेशान मत हो ज़्यादा, थोड़ी देर के बाद दोबारा ट्राई करना, हम लोग भी कोशिश करेंगे, शायद लग जाए। अजय सुन, अब मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए।
पुलिस कंप्लेन? अजीब नहीं लगेगा? और क्या कहेंगे कि हमारी दोस्त पायल मिसिंग है? तो शायद भूल रही है कि वो मेरी बीवी है। मैंने पायल के मम्मी पापा पे इसलिए भरोसा किया ताकि वो लोग दोबारा हमारी शादी अपने तरीके से कर सके, लेकिन हुआ क्या, पायल से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, ना उसके माँ बाप से। मुझे तो लगता है कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ डेफिनेटली गलत हो रहा है यार। वरुण सही है रितिका, हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला है? क्योंकि मैं और पायल आज मिलने वाले थे सर, पूरा दिन एक साथ बिताने वाले थे। अगर पायल अपनी फैमिली के साथ कहीं जाती, मुझसे नहीं मिल पाती, तो फिर वो मुझे इन्फॉर्म तो करती ना सर, कॉल करती या फिर एटलीस्ट मैसेज तो करती। और पायल भाभी और वरुण भैया की शादी को भी 8 ही दिन हुए हैं सर। एक मिनट, अभी 2 मिनट पहले तुमने कहा कि पायल के साथ तुम्हारी शादी की डेट फिक्स होने वाली थी, राइट? और अब तुम्हारी बहन कह रही है कि तुम्हारी शादी उससे 8 दिन पहले हो चुकी है, एक ही लड़की से 2 बार शादी। और वरुण ने पुलिस को पूरी कहानी बयां की, किस तरह उन दोनों के बीच प्यार हुआ, किस तरह उन दोनों ने मंदिर में शादी की और उसके बाद किस तरह पायल के माता पिता से सुलह हुई। अब पुलिस को भी लगने लगा कि दाल में वाकई कुछ काला है। सर, पायल बंसल, पायल के पिता राजेंद्र बंसल, उसकी माँ मोहिनी बंसल और उसके मामा प्रकाश बंजाल, इन चारों के सेलफोन्स एक ही टाइम पे स्विच ऑफ हुए हैं, ग्रेटर कैलाश सेक्टर 1 के जोन में। पायल का एक छोटा भाई भी है, साहिल बंसल। जी हाँ सर, लेकिन वरुण के पास उसका सेल नंबर नहीं है। इन चारों के फोन रिकॉर्ड से ट्रैक करो साहिल का नंबर, आई थिंक पायल के फोन रिकॉर्ड से जरूर मिलेगा, क्योंकि वरुण बता रहा था कि साहिल अपनी बहन पायल को सपोर्ट करता है। यस सर। वरुण, तुम्हारा डर गलत नहीं है, कुछ तो अजीब जरूर है, ऐसे ही सबके फोन बंद नहीं है। मुझे पायल की बहुत फिक्र हो रही है। जो चीज़ हमें पता नहीं है उसकी चिंता करना बेकार है, लेकिन हाँ, हमारी टीम ये पता लगा कर रहेगी कि आखिर हुआ क्या है, क्यों हुआ है। अब तुम घर जाओ, घर जाकर आराम करो। सर, मेरी बीवी गायब हुई, मैं यही वेट करता हूँ। तुम यहाँ नहीं भी रहोगे तो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं आने वाली है, एक काम है हमारा। आपका काम है सर, पर मैं यही वेट करता हूँ। सर, पायल के पिता राजेंद्र बंसल कल से अपनी दुकान पर ही नहीं गए थे। ज्वेलरी का बिजनेस है? जी हाँ सर। और मामा प्रकाश मुंजाल? राजेंद्र बंसल के शोरूम के मैनेजर के पास प्रकाश मुंजाल के कारखाने का लैंडलाइन नंबर है, प्रकाश के घर का एड्रेस और उसके घर का लैंडलाइन नंबर थोड़ी देर में हमारे पास होगा सर। वरुण का डर वाजिब है, शादी वाला घर है लेकिन सबके फोन बंद है, पूरा परिवार गायब है। सर, जैसा वरुण ने हमें बताया कि पायल के घर वाले पहले से ही शादी के खिलाफ थे, वो किसी और दूसरे लड़के से सगाई करने के चक्कर में थे। हाँ, लेकिन पायल पोस्ट ग्रेजुएट है, भागकर शादी कर चुकी है, उसके साथ वो लोग जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? हर बात की खबर रखें, ऐसे कोई रिलेशन नहीं थे हमारे बंसल्स के साथ। ये ऐसे ही अक्सर जाते रहते हैं। ताला तो पहली बार लगा हुआ देखा है। उनका एक भाई है प्रकाश मुंजाल, कहाँ रहता है कुछ पता है? जी, मोहिनी बंसल को इतना अच्छे से नहीं जानते तो उनके भाई के बारे में कैसे पता चलेगा। सर, ऐसा तो नहीं कि अंदर कोई कांड हुआ हो पर उसकी बू अभी तक बाहर नहीं आ रही है? बू बाहर नहीं आ रही है तो हम अंदर जाएंगे, रखे सर, तो कुछ ना कुछ जरूर रहा है। वरुण बेटा, अभी अभी तो आया हूँ, फिर कहाँ चल दिए? पुलिस स्टेशन। वहीं से तो आए हो बेटा, रिपोर्ट लिखा दी ना तुमने? जी। तुम्हारे इस तरह से पुलिस स्टेशन में बैठे रहने से क्या होगा? यार, है के भी क्या कर लूंगा मम्मी। तो ऑफिस नहीं जाओगे? पापा, मेरी बीवी गायब हुई है, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, जब तक तो मैं उसे ढूंढ नहीं लेता चैन से नहीं बैठूंगा। चलता हूँ। आपने डंक मारा मेरी पायल को, मेरी पायल मर गई। ये पायल ऐसे नहीं मर सकती, अरे बीवी है मेरी, कसम खाई थी कि हर सूरत में उसकी रक्षा करूंगा, हर सूरत में।
सर एक भी चीज इधर की उधर नहीं है। बड़ी अजीब बात है, घर में कोई नहीं है और फैमिली कार कंपाउंड में ही पार्क। सर ये एक दो कार वाली फैमिली नहीं लगती है, कम से कम तीन चार तो होंगी। ये राजेंद्र बंसल की ज्वेलरी शॉप में जाओ और वहां पर जाकर दूसरी कार्स के बारे में पता। सर प्रकाश मुंजाल का एड्रेस और लैंडलाइन नंबर मिल गया है। हेलो, ये प्रकाश मुंजाल के घर का नंबर है? मैं विनोद मुंजाल, मेरे पापा हैं प्रकाश मुंजाल। और इस वक्त आपके पापा कहाँ हैं? जी वो बाहर गए हैं। मोबाइल ऑफ क्यों है उनका? पता नहीं, पर आप कौन हो जो ऐसे पुलिस के जरा सवाल पूछ रहे हो? हाँ बेटा मैं पुलिस ही बोल रहा हूँ। ओह सॉरी सर। सोच समझ कर और सच सच बता, इस वक्त तेरे पापा कहाँ गए हैं? पता नहीं सर। नहीं वरुण, प्रोजेक्ट इतना मायने नहीं रखता, मैं यही हूँ। नहीं यार अजय, तो प्रोजेक्ट सबमिट करके वापस यहाँ आ जा, मैं यही रहूँगा। पायल की खबर नहीं मिलती मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। वो लोग जो कह रहे हैं वो मैं किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कह रहे कि पायल को सांप ने डंक मारा, ये कैसे सच हो सकता है? सर आप कहना क्या चाहते हैं, मैं झूठ बोल रही हूं आपसे? सर मैंने आपसे कहा तो था कि पापा जल्दी जल्दी में निकल गए, उन्होंने कहा कि पायल दीदी को सांप डस गया है। अगर पायल को सांप ने डसा है तो कौन से हॉस्पिटल में है वो? तुम्हारे पापा, पायल के पेरेंट्स, पायल, ये सब लोग हैं कहाँ? सर हम भी ट्राई कर रहे हैं पर पापा हॉस्पिटल में है ना, तो शायद फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। हॉस्पिटल में फोन स्विच ऑफ नहीं करते, साइलेंट करते हैं, और साइलेंस हमेशा अच्छी चीज के लिए नहीं होता, चुप्पी छुपाने के लिए भी होता है, और चुप्पी जहरीली भी हो सकती है। बाय द वे पायल को सांप ने कब काटा था? परसों रात को करीबन 11:30 बजे मेरे हस्बैंड को फोन आया था। क्या, कब? अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? पायल को सांप ने डंक मार लिया। क्या? मुझे दीदी के घर जाना होगा। और उसके बाद वो चले गए? उसके बाद आपकी उनसे कोई बात नहीं हुई? जी नहीं। अच्छा ये जो कार खड़ी है बाहर, वो किसके? मेरे हस्बैंड की। अच्छा, इमरजेंसी में गए बिना कार के? सर पायल दीदी का घर यहाँ से 5 मिनट ही दूर है। लेकिन सच यहाँ से कोसों दूर है, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, बल्कि यकीन है कि आप लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। सर हम कुछ झूठ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं छुपा रहे आपसे। वो जल्दबाजी में ना पैदल ही चले गए होंगे। ये कौन है? सर ये मेरा कजिन है साहिल। पायल का छोटा भाई? हाँ सर। पायल, उसकी माँ मोहिनी, पिता राजेंद्र और मामा प्रकाश सभी गायब थे, लेकिन पायल का छोटा भाई साहिल अपने मामा प्रकाश के घर पर था। क्या साहिल जानता था कि उस रात उसके घर में क्या हुआ था? नहीं सर, उस रात हमारे घर में क्या हो रहा था मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हारा घर है, तुम्हारी फैमिली है, और तुम्हें कुछ नहीं मालूम? सर एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर गया था, अराउंड 10:30 को लौटा। पायल थी उस वक्त घर पर? शायद हाँ, मतलब सब घर पर ही रही होगी। तुम्हारे पापा? पता नहीं सर, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सीधा अपने रूम में जाकर सो गया था। और फिर लगभग 11:30 बजे मम्मी मेरे रूम में आई। साहिल, साहिल, साहिल जल्दी उठो। क्या हुआ मम्मा? पायल को सांप ने डंक मार दिया है। क्या? बहुत बुरी हालत है उसकी। कहाँ है पायल दीदी? बेटा पायल बाहर नहीं है, तेरे पापा उसे डॉक्टर के पास ले गए हैं। तू जल्दी से तैयार हो जा, प्रकाश मामा आते होंगे तुझे लेने के लिए। हम कहाँ जा रहे मम्मा? हम नहीं बेटा, तुम जा रहे हो प्रकाश मामा के घर। लेकिन क्यों मम्मा? मैं हॉस्पिटल में रहूंगी पायल के साथ, और तेरे पापा भी तो वहीं रहेंगे। तू जल्दी से तैयार हो जा, लगता है प्रकाश मामा आ गए। लेकिन मम्मा दीदी है कौन सा हॉस्पिटल में ये तो बता दीजिए, मुझे दीदी से मिलना है, मैं नहीं जा रहा मामा के घर। देख बेटा जिद नहीं करते, तेरे पापा गए हैं ना उसे हॉस्पिटल लेकर, वो फोन करेंगे तो सब पता चल जाएगा। मामा जी दीदी कौन से हॉस्पिटल में, और हम लोग वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते? बेटे तेरे पापा ने मुझे अब तक नहीं बताया कि वो कौन से हॉस्पिटल में, उसे कहाँ ले गया, उसकी क्या हालत है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुझे बता दूंगा। हाँ तू विनोद के साथ आ जाइए, ठीक है ना?
राधिका, साहिल 2-3 दिन के लिए यहाँ पे रहेगा, पायल की देखभाल करनी है ना, मामला थोड़ा सीरियस है। मम्मी तो कह रही थी कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मामा जी देखिए, आप मुझसे कुछ छुपा रहे। पायल दीदी का है, मुझे दीदी से मिलना है। वैसे मामला सीरियस नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। देख, सांप ने डंक मारा है तो थोड़ा तो सीरियस होगा ना। मैं तुझे फोन करता हूँ। तभी से उन सबका फोन स्विच ऑफ है सर, और मैं मामी और विनोद भैया से पूछते रहता हूँ, पर इन्हें भी नहीं मालूम। राधिका जी, उनमें से किसी ने भी आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया? जी नहीं सर, तभी तो हम सब परेशान हैं। साहिल, कुछ हिंट है पायल कौन से हॉस्पिटल में? मैंने कई बार पूछने की कोशिश की, जिद भी की कि मुझे पायल दीदी से मिलना है, पर नहीं हो पाया। मतलब परसों रात आपके हस्बैंड अपनी कार लेकर गए पायल के? जी। साहिल को यहाँ लेकर आए, कार पार्क की और चले गए? जी। क्यों? पता नहीं। हाँ सर, मुझे भी नहीं पता। मुझे तो तब पता चला जब पापा साहिल को यहाँ ले आए। साहिल, विनोद, राधिका जी, राजेंद्र, मोहिनी, पायल, प्रकाश, इनमें से कोई भी अगर आपको फोन करता है तो तुरंत मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। लाठी सर, अपने दो आदमी पायल के बंगले के बाहर लगा दो। सर, वैसे ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई में पायल के पेरेंट्स और उसके मामा वरुण और पायल की शादी को तोड़ने के लिए कोई साजिश कर रहे हैं। लाठी, एक काम करो, शहर में जितने भी हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक हैं, सब में सांप के काटने के केसेस स्कैन करो। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई केस होगा, फिर भी चांस लेते हैं। ठीक है सर। और हाँ, राधिका और विनोद के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हो सकता है प्रकाश इनके टच में हो, लेकिन ये हमें ना बता रहे हो। राइट सर। सांप ने डंक मारा? बोल तो ऐसा ही रहे हैं। पायल के भाई साहिल को उसकी मम्मी ने यह बात बताई। उस रात को 9:45 से 10 बजे तक मैं पायल से फोन पे बात कर रहा था। चाहते हो तो आप कॉल डिटेल्स चेक कर लो सर। इसकी जरूरत नहीं है वरुण, हमें तुम पर डाउट नहीं है, लेकिन हाँ, हमें इस बात पर पूरा यकीन है कि उस रात तुम्हारे फोन के बाद उस घर में कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। हम सारे हॉस्पिटल, सारे क्लिनिक में स्नैक बाइट केसेस ढूंढ रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। पुलिस ने दिल्ली के लगभग सारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में स्नेक बाइट केसेस ढूंढे, पर इनमें से कोई भी केस पायल बंसल का नहीं था। सर, प्रकाश मंजाल की बीवी राधिका और उसका बेटा विनोद, दोनों के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए हैं। ना तो प्रकाश ने इन्हें कोई फोन किया है और ना ही इन्होंने प्रकाश को। प्रकाश का कोई और फोन नंबर? पता किया था सर, कोई नहीं है। गाड़ी? राजेंद्र बंसल के नाम पर 2 कार रजिस्टर्ड है, दोनों उनके कंपाउंड में है, और एक कार प्रकाश मुंजाल की है जो प्रकाश के घर के बाहर पार्क्ड है। मतलब किसी और की गाड़ी से गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। राजेंद्र बंसल के ज्वेलरी शोरूम के हर वर्कर से बात की है, बंसल फैमिली के हर पड़ोसी से बात की है, यहां तक कि प्रकाश की फैक्ट्री और उसके भी पड़ोस में छानबीन की है, पर किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे रातों रात हवा हो गए ये लोग। राठी, प्रकाश के घर और उसकी फैक्ट्री के बाहर अपने आदमी लगा दिए? जी हाँ सर, दोनों के घर के बाहर, ज्वेलरी शोरूम और प्रकाश की फैक्ट्री के बाहर भी। सारे फोन रिकॉर्ड्स को स्कैन कर लिया है, सारे फोन नंबर्स की लोकेशन को भी ट्रैक करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं सर। लेकिन हम बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि जहर बहुत जल्द फैलता है। पुलिस अपनी तरफ से कमर कसकर मेहनत कर रही थी। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन पायल, पायल के माता पिता और उसका मामा प्रकाश गुमशुदा के गुमशुदा ही रहे। और फिर पायल के पति वरुण को अचानक आभास हुआ कि आखिरकार क्या हुआ हो सकता है। वरुण, क्या हुआ बेटा? मैं आज 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर? अरे हाँ मम्मी, आज के दिन तो पायल भाभी के घर वाले उनकी एंगेजमेंट करवाने वाले थे किसी अमन के साथ, वो भी जबरदस्ती। पायल के मामा ने अजय को फोन किया था ये जानने के लिए कि जो शादी हम लोगों ने मंदिर में की थी वो रजिस्टर हुई है कि नहीं। अब मुझे पता चला क्यों। मम्मी पापा, पायल की सगाई अमन के साथ कहीं ना कहीं हो रही है, मुझे उसे रोकना होगा। मैं पायल को वापस लेके आता हूँ। रुक जाओ वरुण। बेटा ये बंसल फैमिली मुझे ठीक नहीं लग रही है, इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं बेटा। ये जिस तरह से हमारे साथ पेश आ रहे हैं, पता नहीं बड़े खतरनाक से लोग लग रहे हैं। बेटा फ्रैंकली स्पीकिंग, हम दोनों को तुम्हारी जान की फिक्र हो रही है। मुझे पायल की फिक्र है पापा,
उसकी जान की फिक्र, उसकी मान की फिक्र। बेटा पुलिस अपना काम कर रही है ना, उन्हें करने दो। पापा पायल मेरे लिए वो है जो मम्मी आपके लिए। बेटा हाफ लाइफ पार्टनर, जो मैं पायल के लिए कर रहा हूं क्या वो मम्मी के लिए नहीं करते? सर आज 18 अक्टूबर है सर, आज ही के दिन पायल के माँ बाप उसकी सगाई उस अमन से करवाने वाले थे जो उनके बिजनेस पार्टनर का बेटा है। वो लोग मेरी बीवी को जबरदस्ती उस अमन के साथ शादी करवाने वाले हैं सर। सर हमें उसे रोकना होगा, आज के आज रोकना होगा सर। वरुण मैं तुम्हारे जज्बातों की कद्र करता हूँ, ट्रस्ट मी, हमने पूरी दिल्ली खोद डाली, इसके बावजूद हमारे कुछ हाथ नहीं लगा। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखना होगा वरुण, इस बात के पूरे चांसेस हैं कि ये चारों कहीं गए और ऐसा कुछ हो गया हो जो नहीं होना। अरे नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। सर मैं आपको कह रहा हूं, पायल की सगाई अमन के साथ दिल्ली के बाहर कहीं ना कहीं हो रही है सर। सर उन लोगों ने पायल की उंगली का नाप भी ली थी सर। सर पायल को पता था कुछ गलत हो रहा है, उसने मुझे फोन पे भी बताया, रोती रहती थी फोन पे सर, लेकिन मैंने सुना ही नहीं। नो सर, मुझे अमन का एड्रेस तो नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो कौन है। कौन है? अमन माथुर, मेरे पापा के बिजनेस फ्रेंड का बेटा है जिनका नाम धनराज माथुर है, वो भी ज्वेलरी की बिजनेस में। इस धनराज माथुर का घर वसंत कुंज में है सर। घर में शादीवादी हो रही है? सर मैंने फोन नहीं किया अभी तक, सोचा सीधा घर पे पहुंचते हैं। लड़की बालिक है, अगर हम वहां पहुंचते हैं और लड़की कहती है कि उसके साथ जबरदस्ती हो रही है, मारपीट हो रही है, तो हम कोई एक्शन ले सकते हैं? जी सर। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और लड़की कहती है मेरी सगाई हो रही है, मेरी मर्जी से हो रही है, तो हम क्या चार्ज लगाएंगे? अमन से सगाई करने के लिए पायल के साथ जबरदस्ती नहीं हो सकती, पायल ये होने नहीं देगी, ये मुझे पता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए एक और बात खुरेदने लगी, डराने लगी, किसी पैतरे से कुछ खिला पिलाकर क्या मेरी पायल के मन को बदला गया है? क्या मेरी पायल बदल गई है? नहीं नहीं, सोची भी नहीं जा रही ये बात मुझसे। जी अमन माथुर है घर पे? जी सर। आप मजाक तो नहीं कर रहे इंस्पेक्टर? इतने दिनों से हम खुद हैरान हैं, गुस्से में भी। बंसल ऐसे कैसे कर सकता है? इन लोगों की तरफ से कोई खबर आ नहीं रही और अब खुद इनकी खबर नहीं है। तो आप लोगों का बंसल फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? अरे 11 तारीख तक तो कांटेक्ट ही कांटेक्ट था, दिन में 100-100 फोन आ रहे थे, आना जाना चल रहा था। किस लिए? हमारे अमन और उनके पायल की आज सगाई होने वाली थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। देखिए इंस्पेक्टर, राजेंद्र बंसल मेरा दोस्त है, कम से कम 6-8 बार तो मैं उसके शॉप में गया, लेकिन वहां भी किसी को कुछ मालूम नहीं। सगाई आज होने वाली थी? जी हाँ। अमन पायल से तुम्हारी लास्ट टाइम बात कब हुई थी? मैं तो आज तक पायल से नहीं मिला हूँ। व्हाट? हाँ सर, फोन पर भी कभी बात नहीं हुई। इंस्पेक्टर दरअसल बात मेरे और पायल के पापा राजेंद्र बंसल के बीच में हुई थी, हमारे यहाँ शादियां बड़े ही तय करते हैं। और अगर सगाई नहीं करनी थी, रिश्ता नहीं रखना था, तो हमें बता देते ना, हम तो आगे से वजह भी नहीं पूछते। लेकिन ये क्या अचानक से गायब हो जाना? शायद आप लोग ये बात जानते हो, लेकिन इस केस से जुड़े हर आदमी की तरह अनजान बन। कौन सी बात इंस्पेक्टर? पायल की मिसिंग कंप्लेन वरुण महाजन नाम के एक लड़के ने फाइल की, और उसका कहना है कि पायल पिछले 1 साल से उसकी गर्लफ्रेंड है और 2 हफ्तों से उसकी बीवी। इंस्पेक्टर ये सब हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग है, और अगर हमें पता होता तो हम सगाई क्यों करते? मैं पायल से कभी नहीं मिला, मेरी पायल से कभी भी फोन पर बात नहीं हुई, ये हमारा एक फैमिली ट्रेडिशन है। लेकिन सर मुझे जरा सा भी हिंट मिलता कि मेरी होने वाली पत्नी किसी और से प्यार करती है तो मैं सगाई तक बात पहुंचते ही नहीं देता। हमने अमन और उसके पेरेंट्स की बैकग्राउंड चेक की, हमें लगता है वो लोग सच बोल रहे हैं। तो फिर पायल के मम्मी पापा उसे कहाँ लेके गए सर? वो लोग उसे जहां भी लेकर गए हम पायल को वापस लेकर आएंगे, सीधा तुम्हारे पास, बस तुम हिम्मत मत हारो। मैं हिम्मत हार रहा था, शक को यकीन बनने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर
अब खौफ बनने लगा, हिम्मत नहीं थी सच्चाई का सामना करने की। अगर वो लोग पायल को अमन के साथ सगाई करने नहीं लिखे गए तो कहां लिखे गए पायल को? मुझे फिर भी उम्मीद थी कि मैं पायल को ढूंढ लूंगा। बेटा मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होगा हम सबके लिए, खास करके तुम्हारे लिए, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम इस चैप्टर को जितनी जल्दी क्लोज कर दें उतना ही अच्छा है। चैप्टर क्लोज कर दूं? पायल एक चैप्टर है पापा, पायल मेरी जिंदगी का एक हिस्सा ही नहीं, मेरी जिंदगी है और वो गायब है। उसे मैं भुला दूं, उसे ढूंढूं भी ना? गलती तो हम सबसे हुई है, हम लोग पायल के माँ बाप और उसके मामा के इरादों को जान नहीं पाए। उनका यहाँ आकर वो ढोंग करना, रोना धोना सब साजिश थी पायल को यहाँ से लेके जाने की। मुझे उसकी उस वक्त ही बात मान लेनी चाहिए थी, जाने नहीं देना चाहिए था उसे। मेरी गलती को मैं ही सुधारूंगा। साजिश से लेके गए थे तो कोशिश से वापस लेके आऊंगा। दूसरी तरफ पायल का छोटा भाई साहिल भी मायूस था, दुखी था, अचरज में था कि आखिरकार उसकी बहन और उसके माता पिता कहां चले गए थे। हफ्ते बीत गए लेकिन पायल, उसके माता पिता और मामा का कोई नामो निशान नहीं था। अब यह एक बहुत गंभीर मामला हो गया था और फिर एक ऐसी दिशा से पहली लीड मिली जहां से कोई अपेक्षा नहीं थी। ये बात आपको काफी जल्दी बताने की सूझी प्रोफेसर साहब। सर जी मुझे कोई खबर नहीं थी कि पायल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। वो लोग पायल को कहाँ लेके गए? वो मुझे नहीं पता, लेकिन 11 अक्टूबर की रात को पायल के फादर राजेंद्र बंसल मेरे घर आए। अब ऐसा है कि उनके और हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और वो मुझे मानते हैं क्योंकि मैंने पायल को पढ़ाया है बचपन से। राजेंद्र बंसल ने एग्जैक्टली आपसे क्या कहा? आशीष जी मुझे थोड़ी देर के लिए आपकी कार मिल सकती है? मेरी कार? अरे मेरी एक कार सर्विसिंग में गई है और एक दोस्त मांग के ले गया, घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई। कैसी इमरजेंसी? अरे अपनी पायल को सामने डंग मार लिया है। ओह गॉड, इसलिए मैं तुरंत उसे अपने गांव लेके जाना चाहता हूँ, आपकी कार चाहिए। हाँ लेकिन गाँव क्यों, हॉस्पिटल क्यों नहीं? आप एक सेकंड रुकिए, मैं भी आपके साथ आता हूँ। यहाँ से सीधे जाते हैं एम्स या फोर्टिस? नहीं 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 उसकी जरूरत नहीं है, सांप के जहर का पक्का इलाज है जो हमारे गाँव के वैद्य जी करते हैं। आप कार की चाबी दीजिए ना, टाइम निकलता जा रहा है। हाँ ठीक है, ये लीजिए। कुछ पूछने के पहले ही बंसल साहब निकल गए, उसके बाद आपका उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? सर जी मैंने बहुत कोशिश की उन्हें कांटेक्ट करने की, बंसल साहब को, मोहिनी जी को, पायल को, लेकिन कंटिन्यूस स्विच ऑफ मैसेज आ रहा था। वो लोग पायल को किस गांव में लेके गए? पता नहीं, इतने दिन से आपकी कार आपके पास नहीं है, उन लोगों के फोन बंद आ रहे हैं, इसमें आपको कुछ अजीब अटपटा नहीं लगा? हमारे पास आने की नहीं सूझी आपको? सर जी ऐसा है कि हमारे और उनके संबंध काफी करीबी हैं, मुझे लगा गांव में किसी वजह से अटक गए होंगे या पायल को ज्यादा वक्त लग रहा होगा ठीक होने में। और ये वरुण ने जो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई है इसके बारे में मुझे आज ही पता चला और मैं सीधा यहीं चला आया। सर मुझे लगता है ये लोग कोई जादू टोने के चक्कर में, इससे पहले ये लोग पायल के साथ कुछ कर दे हमें उसे बचाना चाहिए। सर जरूर बचा लेंगे वरुण। गांव का क्या नाम बोले? एग्जैक्ट गांव के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है कि वो लोग हरियाणा को बिलोंग करते हैं। हरियाणा? हाँ साहिल, हरियाणा में कौन सा गांव है तुम लोगों का? हाँ जज्जर में। वहाँ पे कोई रिश्तेदार है तुम्हारे, कोई एड्रेस या फोन नंबर? नहीं कोई कांटेक्ट तो नहीं है, मुझे बस इतना मालूम है कि पापा वहाँ को बिलोंग करते और हम लोग तो वहाँ पर आज तक गए भी नहीं है। मुझे तो डाउट है कि हमारा वहाँ पर कोई रिश्तेदार है भी या नहीं। जज्जर? जज्जर। प्रोफेसर साहब आप अपनी कार की डिटेल्स दीजिए और कार का अगर कोई फोटो है तो और बेहतर है। फोटोग्राफ है मेरे पास, वाइट इंडिका है, टाटा इंडिका वाइट DL07X897। जैसे ही दिखे तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर दो। DL07X897।
07X897 टाटा इंडिका सफेद रंग की। सर, जज्जर में नाकाबंदी ऑर्डर हो चुकी है, खबरियों को भी काम पर लगा दिया गया है। 24 घंटे हो चुके हैं राठी, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं है, ना कार की, ना पायल के पेरेंट्स की और ना ही पायल के मामा की। पायल के माँ बाप के इरादे क्या हैं? अभी तक समझ में नहीं आ रहा सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेंद्र बंसल ने प्रोफेसर आशीष से भी झूठ कह दिया हो कि वो गांव जा रहे हैं? हो सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले पायल को ढूंढकर उसके पति वरुण से मिलवाना है। देखते हैं पायल को वरुण के पास जाने से रोकने के लिए उसके माँ बाप किस हद तक जा सकते हैं। मैंने सारी निराशा, सारा डर दूर करके अपने आप को समझा लिया था कि पायल मिलेगी, मुझे मिलेगी, पुलिस को मिलेगी, लेकिन जरूर मिलेगी। और पायल मिली, समय लगा पर वो मिली। पुलिस पहुंची उस तक, उसके माँ बाप तक। जनाब, एक सफेद रंग की इंडिका नजर में है। कहाँ है? खेरी गांव में है सब। प्रवीण लालचंद नाम का एक बंदा है, उसी के घर के बाहर खड़ी है। नजर मत हटाना। प्रवीण लालचंद? जी हाँ सर, राजेंद्र बंसल का कोई दूर का रिश्तेदार है। गाड़ी अभी भी उसके घर के बाहर पार्क्ड है। मूव। सर, कुछ पता चला? वो व्हाइट इंडिका हरियाणा के जज्जर के पास एक गांव में ट्रेस हुई है। पायल के फादर के किसी रिश्तेदार के घर के आगे पार्क है। और पायल के बारे में? पायल का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हम वहीं जा रहे हैं। मुझे भी आना है सर। वरुण, अगर पायल हमें वहां मिल गई तो हम उसे साथ में लेते आएंगे, नहीं मिली तो और ढूंढेंगे। लेकिन तुम इस तरह हमारे साथ नहीं आ सकते। हाथ जोड़ के विनती करता हूं सर, प्लीज आने दीजिए। ये मेरी गाड़ी। चार लोग, राजेंद्र बंसल, मोहिनी बंसल, पायल बंसल और प्रकाश मुंजाल, ये चारों दिल्ली से हवा हुए हैं। हमें उम्मीद है ये चारों आपके घर से प्रकट होंगे। प्रकट होंगे या नहीं प्रवीण लालचंद? अरे पायल, क्या है पायल? क्या है पायल? बंसल, पायल कहाँ है? प्रकाश, मोहनी जी, कहाँ है पायल? घर में तो नहीं है। कहाँ मेरी बंदी? मेरी छोड़ो। कहाँ मेरी बंदी? कहाँ मेरी बंदी? क्या किया उसके साथ? छोड़ो। क्या किया उसके साथ? वरुण, बंसल, इस वक्त मैं घुमा फिरा कर बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं। आखिरी बार पूछ रहा हूं, पायल कहाँ है? पायल बच नहीं पाई। बच नहीं पाई? क्या मतलब? हमारी बेटी मर गई सर, उसे सांप ने डंक मार दिया था। हम उसे बचा नहीं पाए। जब तक यहाँ वैद्य जी के पास लेके आते, उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये पायल की बिना कहीं नहीं जाऊंगा। काय पायल, काय पायल, सच सच बता काय पायल। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो यकीन मानो वरुण, तड़पा तड़पा के सच उगलवाई। सर पायल यही कही है, इन लोगों ने छुपा के रखा है। बंसल साहब, मोहिनी जी, ये क्या कांड किया है आपने? कहां है पायल? पायल को सांप ने डंक मार दिया, जहर फैल गया। यहां पहुंचने से पहले मेरी बेटी ने अपना दम तोड़ दिया। यही सच्चा जी, हम बचा नहीं पाए बच्ची को जी। और यही हमने 12 अक्टूबर को पायल बेटी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। अपनी बेटी के मरने का झूठ क्यों बोलेंगे हम? सर हमारी बेटी मर चुकी है और हमें तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अरे सफाई देने की जरूरत नहीं है? एक तो मेरी बीवी को मुझसे धोखे से अलग कर लिया और अब कह रही मर गई। तुम मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच यही है कि हमारी बेटी जा चुकी है और वो लौट के नहीं आने वाली। डेथ सर्टिफिकेट जी, बनाने का टाइम ही नहीं मिला जी। लाश सड़ने लगी थी। लाश नहीं, दिमाग सड़ने लगा था प्रकाश। तुम लोग जो भी हो, कितने ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, तुम लोगों एक एक की खाल उतर लूंगा। बोलो क्या क्या पहल के साथ? लकड़ी तो ले गए थे मालिक, लेकिन किसका क्रियाकर्म करने गए थे ये मुझे नहीं पता। गांव में सब लोग फुसफुसा रहे, सबको मालूम था कि किसी न किसी की लाश जरूर जलाई गई है, पर किसकी ये किसी को नहीं मालूम था। सब बात हो रही है कि आते वक्त ही मौत हो चुकी थी। मत मारिए, मेरे मुंह से बार बार वही बात निकलेगी साहब, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। जब राजेंद्र बंसल पहल को मेरे घर लेकर आया था साहब, तो वो मर चुकी थी साहब। मोहिनी भाभी, क्या हो गया पहल बिटिया ने? प्रवीण भाई, पायल को सांप ने डंक मार दिया। सांप ने डंक मार दिया? हम यहाँ के वैद्य जी के पास ला रहे थे पायल को दिखाने, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। और फिर हमने साहब लाश का वही अंतिम संस्कार कर दिया। बिना डॉक्टर के, डेथ सर्टिफिकेट के, पायल की लाश को अग्नि दे दी ऐसे ही खुले में। पायल की लाश से बहुत बदबू आने लगी थी साहब, बच्ची की बॉडी सड़ रही थी। और अब भी तुम यही झूठ बोलते रहोगे कि पायल को सांप ने डसा था? सच क्या है वो बोलना चाहते। सच यही है, मुझे यही बताया गया था। अब और क्या बताएं आपको, बता तो दिया। सांप हमारे घर में घुस आया था, उसने हमारी बेटी पायल को डस लिया और जब हम उसे गांव लेके जा रहे थे उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। मुझे लाश जो है बहुत जल्दी सड़ रही थी, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनाने का भी वक्त नहीं था हमारे पास, इसलिए हमने फैसला ले लिया और बिटिया का अंतिम संस्कार कर दिया जी। इस फैसले से पहले तुम दोनों ने एक और फैसला किया था, पायल का कत्ल करने का। और ये जो तुम लोगों की बातें हैं ना सांप की डसने वाली, पूरी तरह से झूठी हैं, बकवास हैं। आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं पर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच यही है, हम अपनी बेटी को बचा नहीं पाए और इस बात का हमें जिंदगी भर अफसोस रहेगा। मेरे मम्मी पापा मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मम्मी ने मुझसे कहा था पापा पायल दीदी को लेकर हॉस्पिटल गए, अगर वो लोग झज्जर जा ही रहे थे और दीदी की हालत इतनी खराब थी तो मुझसे बोला क्यों नहीं गया? क्या बोलते साहिल, जो कभी हुआ ही नहीं था उसके बारे में क्या बोलते? पायल को सांप ने कभी डंक मारा ही नहीं था। मोहिनी जी सॉरी, माफ कर दीजिए, आप बिल्कुल सही कह रही थी, आपकी बेटी पायल की मौत सांप के जहर की वजह से ही हुई है। लेकिन एक सांप नहीं था, दो सांप थे।
पर ये दोनों सांप कहीं बाहर झाड़ियों से नहीं आए थे बल्कि घर के अंदर ही थे। और ये दो सांप थे जिन्हें आपकी बेटी पायल पापा और मम्मी कहती थी। और इन दोनों सांपों ने एक तीसरे सांप के साथ मिलकर साजिश रची। एक तो उन्होंने वरुण के घर वालों के सामने अपनी कैंचुली बदली पायल को वापस अपने पिल में ले जाने के लिए। और जब पायल को वापस अपने बिल के अंदर ले गए तो इन्होंने सोचा, अरे ये तो हमारा ही खून है, जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी नहीं है इसकी भी नहीं होगी। ये भी अपनी कैचुली बदल लेगी, ये भी अपने प्यार अपने पति वरुण को भुला देगी और पैसों के लिए अमन से सगाई कर लेगी, शादी भी कर लेगी। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। और जब ऐसा नहीं हुआ तो इन तीनों सांपों ने अपने गुस्से को जहर बनाकर जबरदस्ती पायल के अंदर ठूस दिया। और ठूसने वाले तीन सांप थे राजेंद्र, मोहिनी, प्रकाश। मैं अभी तक सही जा रहा हूं ना मोहिनी जी? लेकिन ये आपके लिए कोई अजीब बात नहीं, आपकी तो फितरत है, आपके लिए तो एक कुदरती है। क्योंकि सांपों की कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो खुद अपने ही अंडों को निकल लेती हैं। लेकिन हाँ, एक फर्क है, आपका जो दूसरा बच्चा है साहिल, वो अब ये जान गया है कि जब उसके मां बाप उसकी दीदी को मार सकते हैं तो उसे क्यों बख्शेंगे। हाँ हाँ, सांप हैं हम, हमी ने अपनी पायल को डस लिया। तो फिर आ जाओ ना, मुझे लेकर जाओ यहाँ से। कल आता हूँ, दोनों कहीं दूर घूमने जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे। ओके ना, प्रॉमिस। प्रॉमिस, लव यू। उस लड़के के लिए अपने आंसू मत बहा पायल, गलती की है तूने, बड़ी गलती की है, लेकिन हमारा दिल काफी बड़ा है। माफ किया तुझे, शुक्र है कि सुहाग रात के पहले हम तुझे सही सलामत उस घर से ले आए। तुम अब भी अमन के लिए बनी हो, उसी की हो और उसी की हो जाओगी 18 तारीख को। यू नो व्हाट मामा, ये सब सुनकर बिल्कुल भी शॉक नहीं हुई मैं, क्योंकि शायद मुझे शुरू से पता था कि आप लोग के इरादे क्या है। वरुण के घर आके रोना धोना, एंगेजमेंट रिंग, शादी पक्की ना करना, मुझे समझ में आ रहा था कि आप लोग क्या गंदा खेल खेल रहे हो। पर ये खेल आप जीत नहीं सकते, क्योंकि मैं और वरुण ये गेम बहुत पहले जीत चुके। जहां तक सवाल है आपके अमन का ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि मैंने और वरुण ने शादी से पहले सुहागरात नहीं बनाई होगी? बद्दी बातें ना कर अपनी मम्मी के साथ, अब वरुण तेरा कोई नहीं है और ना ही तू कभी उसके घर जाएगी, समझी? पति है वो मेरा। पायल, हमारे से जन्मी, 23 साल हमारे घर में रही, अब उस दो टके के लड़के के साथ साथ फेरे का ले लिए, हमसे बगावत करेगी तू? तेरी शादी कभी हुई नहीं थी, तेरी शादी अब होगी अमन के साथ, वरुण के साथ तेरा रिश्ता खत्म। बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ इस थप्पड़ से, क्योंकि मेरे लिए आप तभी मर चुके थे जब आपने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा। और उसके बाद जब छल कपट करके वरुण के घर से आप लोग दोनों मुझे लेके आए, तब दोबारा मर गए आप लोग मेरे लिए। मरना मंजूर है हमें, लेकिन इस तरह अपनी इज्जत उछलने नहीं देंगे। और जो मरने के लिए तैयार होता है वो मारने के लिए भी तैयार होता है। अब दोनों जहरीले सांप हो, मुझे चाहकर भी डस नहीं सकते आप लोग। और मैं जा रही हूं अपने वरुण के पास हमेशा हमेशा के लिए, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करिएगा, मर चुके आप दोनों मेरे लिए, मर चुके। उसे हम दुनिया में लाए थे, वापस भी हम ही ने भेज दिया। कितनी गलतफहमी होती है हमें, कितना अहंकार होता है कि हम लोगों को दुनिया में लाते हैं। उसे आप दुनिया में लाई, ये प्रकृति का तोहफा था आपके लिए। उसे मारना ना आपका हक बनता था ना फर्ज, ये सिर्फ गुनाह बनता है। उसने हमारे दिए संस्कारों को रौंद दिया, वो गुनाह नहीं था। घर की इज्जत उछाल दी, वो गुनाह नहीं था। अगर वो आपके संस्कारों से पली बड़ी होती ना, तो सबसे पहले उसने आप दोनों को मारा होता, जैसे आप दोनों ने उसे मार डाला। और जहां तक बात है आपकी इज्जत की, तो जरा सोचिए आपका बेटा साहिल कैसे मुंह उठाएगा, कैसे नजरें मिलाएगा दुनिया से। संस्कार, इज्जत, मोहिनी पुलिस इंटरोगेशन से टूट गई। उसने पूरा जुर्म कबूल कर दिया कि किस तरह उसने और राजेंद्र ने पायल का कत्ल किया।
इस कबूलनामे के बाद राजेंद्र और प्रकाश के पास कोई चारा ही नहीं बचा था, उन्हें भी कबूल करना पड़ा। लेकिन उनकी आंखों में पछतावे की एक बूंद भी नहीं छलकी। पायल के मर्डर के बाद प्रकाश को बुलाया गया और उसने अपनी बहन मोहिनी और जीजा राजेंद्र की मदद की पायल की लाश को गांव ले जाकर उसको चुपके से जला देने में। मोहिनी उसके पति और भाई के इस क्रूर और क्रिमिनल बर्ताव से सबसे ज्यादा शौक उनके छोटे बेटे साहिल को लगा था। साहिल इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसके माता पिता इतने कठोर दिल हो सकते हैं। वरुण, लगता है वरुण भैया किसी से बात ही नहीं करना चाहते। मैं कहा था उसे वापस नहीं जाना, मैंने भेजा था, भेजना नहीं चाहिए था। जाने नहीं देता, पकड़ के सीने से लगा के रखता मेरी पायल को, मेरी पायल को। पायल के माता पिता उसे जाने देते, उससे रिश्ता तोड़ देते, कभी उसका मुंह ना देखते, लेकिन अपनी ही संतान के साथ ऐसा कुटिल खेल खेलना और उसे जान से मार डालना क्या इंसानियत और भरोसे का कत्ल नहीं? एक बालिग लड़की अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ खुशी पाती तो किस पर कौन सा कहर टूट पड़ता? पायल किसकी इज्जत उछाल रही थी और कैसे? एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की कब तक अपने माँ बाप के तकियानुसी ख्यालों पर अमल करती? हर बच्चा आजाद पैदा होता है, उसके माँ बाप, टीचर्स, उसके पालक सिर्फ उसकी सोच को एक दिशा देने की कोशिश कर सकते हैं, पर उस बच्चे का दिमाग अपने ही फैसले करता है और गलतियों से, हार जीत से सीखते सीखते एक व्यक्तित्व तैयार होता है। इस व्यक्तित्व, इस पर्सनालिटी का अपना सम्मान होता है, अपना दृष्टिकोण होता है। अगर ये व्यक्तित्व बगावत करे, फिर चाहे वो अपना ही बच्चा क्यों ना हो, तो इस बगावत पर बरसने से पहले उसे समझने की बेहद जरूरत है। अगर कोई इंसान अपने फैसले लेना चाहता है और हम उसे रोकना अपना हक समझते हैं, तो यह हक नहीं बल्कि अहंकार में उठाया हुआ एक बहुत ही गलत कदम है। पायल बगावत नहीं प्यार कर बैठी थी। उसने अपनी पसंद के एक लड़के से शादी करने का फैसला किया था और अपनी माँ बाप के चुने लड़के से सगाई करने से इनकार कर दिया था, और ये उसका मूलभूत हक था, मानव अधिकार था, अपना जीवन साथी चुनने का। और उसने ये फैसला अपने माँ बाप को दर्द देने के लिए नहीं लिया था और ना ही किसी बगावत के गुस्से में आकर लिया था, लेकिन उसके माँ बाप यही समझ बैठे। उनका अहंकार उनका गुनहगार बन गया और वो अपनी ही बेटी के कातिल बन गए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।